हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज केव में आप सभी का स्वागत है। चमकते नैनो वाली ये लड़की जिनका नाम है राखी, इनका पूरा नाम था राखी मजुमदार गुलजार। इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ। इनके पिता जूतों का कारोबार करते थे। पार्टीशन के बाद ये वेस्ट बंगाल आकर बस गए। राखी जब टीनएजर थी तो बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय बिस्वास से इनकी शादी हो गई। जितने आनंद फानन में इनकी शादी हुई थी, इतनी ही जल्दी ये अपने पति से अलग भी हो गई। ऐसा माना गया कि राखी के लिए फिल्मों का माहौल ठीक नहीं था और इनके ससुराल में हर जगह फिल्मों की ही बात होती थी, फिर चाहे घर हो या फिर बाहर। वो अलग बात है कि आगे जाकर राखी गुलजार फिल्मों से ही जुड़ गईं, कि जैसे फिल्मों के बगैर इनका जीवन ही नहीं था। राखी ने 1967 में बंगाल की फिल्म बदुबरन में काम किया, जिसमें इनके काम को बेहद सराहा गया। इस वक्त इनकी उम्र महज 20 साल थी और उसके बाद ये नजर आई राजेश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु में धर्मिंदर के साथ। फिर ये शर्मीली फिल्म में शशि कपूर के साथ भी दिखी। इस फिल्म में राखी जी ने डबल रोल निभाया था और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देती गईं। फिर इन्होंने हीरा पन्ना, तपस्या, दाग और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों में काम किया। सभी फिल्मों में इनके काम को खूब सराहा गया। फिर बॉलीवुड के शहनशाह के साथ भी इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। वो फिल्म थी कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, टिशू, बेमिसाल, जुर्माना, बरसात की रात, काला पत्थर और कस्मे वादे। साल 1980 में ये अमिताभ बच्चन की सिस्टर इन लॉ के रोल में नजर आईं। फिर 1982 में ये बिग बी की माँ के रोल में भी नजर आईं और इस फिल्म का नाम था शक्ति। ये फिल्म राखी ने इसलिए की थी क्योंकि इनका कहना था कि इस फिल्म में इन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। राखी ने अपनी शादी टूटने के बाद अपना मन फिल्मों में ही लगा लिया था, मगर बाद में इनकी ज़िंदगी में आए एक शायर जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि फिल्में और कविताएं भी लिखते थे। वो राखी के लिए शायरी भी किया करते थे, जिन्हें पढ़कर ये हंसा करती थी और खुश हो जाया करती थी। इस शादी से इनकी एक बेटी हुई, मगर बेटी होते ही ये दोनों अलग हो गए। फिर ये मुंबई में रहने लगी। इसके बाद पता चला कि राखी ने अपना मुंबई वाला बंगला बेच दिया और मुंबई के इलाके पेनवल में एक अपार्टमेंट में रहने लगी हैं। फिर ये फिल्मों में माँ के किरदार निभाने लगी। फिल्में जैसे राम लखन, बाजीगर, करण अर्जुन और खलनायक। फिल्म खलनायक में इनके रोल को बहुत ज़्यादा सराहा गया। फिर ये फिल्म बादशाह में भी नजर आईं। इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को सब बहुत पसंद करते थे। इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा धूम मचाई। यकीनन हिंदी सिनेमा में राखी जी का नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफीज केव।